तो गाइज आज हम लोग हेयर स्टाइल के ऊपर फोटो एडिट करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको अपने मॉडल को इसमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको ये जो पेंसिल वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और आपको विंटेज वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके और 12 नंबर का फिल्टर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जो सैचुरेशन है उसको -100 कर देना और यहाँ से इसको डन कर देना। डन करने के बाद ये जो एरो दिख रहा है ऊपर इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद व्यू एडिट पे क्लिक करके विंटेज पे क्लिक कर देना और यहाँ पे बीच में जो ब्रश वाला आइकॉन दिखा रहा है इस पर क्लिक करके ये वाला आइकॉन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और इसको इस तरह से इरेज कर देना। ओनली अपने स्किन के ऊपर जो है उसको इरेज करना है। तो इसको मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ, आप वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो गाइस इरेज करने के बाद यहाँ से डन कर देना और बैक चले जाना। यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकॉन दिख रहा है वापस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे एक और PNG ऐड करना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको ओवरले मोड में कर देना और इसको यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके व्यू एडिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो डबल एक्सपोजर लिखा है इसको जो है अपवर्ड वाला एरो इसको यहाँ पे 100 कर देना और इसको इस तरह से इरेज कर देना इस तरह से। और ये जो हमारा शर्ट है ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो ये वाला स्टेप जो है इसको मत करना। तो गाइस इसको इरेज करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना और यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना और डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो ऐड फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक PNG ऐड करना है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ से इसको ऐड करने के बाद ये जो एपोसिटी वाला और लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको इंक्रीज कर देना और यहाँ से डन करने के बाद व्यू एडिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको इस तरह से इरेज करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ, आप वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहना। तो गाइस इरेज करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना और यहाँ से बैक चले जाएंगे। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है डाउनलोड वाला इस पर क्लिक करके फोटो को शेयर कर देना और शेयर करने के बाद इसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना। यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा और इस पर टैप कर देना और एक PNG ऐड करना है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको ऊपर सेट कर देना हेयर्स के ऊपर, और इसका जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा कम कर देना, 60% के आसपास ले लेना। और इसको सेट करने के बाद वापस इसका जो ओपेसिटी है इसको इंक्रीज़ कर देना, 100% कर देना। यहाँ पे जो इरेजर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके फ़ोटो को इन्वर्ट मोड में कर देना और इसको इस तरह से इरेज कर देना। तो गाइस यहाँ पे इसको करने के बाद वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे जो हल्का हल्का एक सा पार्ट है उसको इरेज कर देना। इरेज करने के बाद इसको यहाँ से डन कर देना और इसको थोड़ा सा राइट साइड में रोटेट कर देना, जैसा आपको लगे वैसा ही करना। और यहाँ से ये इरेज करने के बाद इसको यहाँ से डन कर देना। सो गाइस यहाँ पे इसको करने के बाद ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे इसको ओपन करना है। और यहाँ पे सेफ वाले ऑप्शन में जाके सर्कल वाला यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना और इसका जो साइज़ है इसको 5px रख लेना। और इसको यहाँ पे जो कलर है टैप करके रखना स्क्रीन पे और सिलेक्ट हो जाएगा जो कलर रहेगा, और इसको इस तरह से करना है। तो गाइस यहाँ पे इसको सेट करने के बाद इरेज वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और जो इसका साइज़ है उसको आप देख लेना, जितना मैंने रखा उतना रख लेना। और इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको इरेज कर देना, इसका साइज़ जो है थोड़ा कम कर देना, 11px रख लेना। तो गाइस इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला आइकॉन दिख रहा है इसको क्लिक करके इसको ऐड मोड में कर देना। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स और दिख रहे हैं अभी इसको भी इरेज कर लेते हैं हम लोग, साइज जो है थोड़ा बढ़ा देना। और यहाँ से इसको इरेज कर देना। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फ़ोटो है वो यहाँ जो थ्री डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना। और यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको जो
यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप कौन सा भी जो फिल्टर है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स में भी देख लेते हैं हम लोग, आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे इसको यूज़ कर लेना। यहाँ पे मैं आपको सब चेक करके बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आर्टिस्टिक मोड में आप स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से इसको डन कर देना, सेव कर लेना।